So hello you guys, good morning and welcome back to another episode of Travel with Simi. I hope you all are doing fine. I am really very sorry कि मेरा vlog इतना late upload हो रहा है क्योंकि मुझे एक eye infection हो गया था जिसकी वजह से मेरी एक आंख swell हो गई थी, redness हो गई थी और आप अभी भी देख सकते हो अगर तो ये वाली मेरी आंख थोड़ी सी सूजी हुई है और ये वाली fine है बट अभी मेरी आंख जो है वो ठीक लग रही है, मतलब देखने लायक है, इसलिए आज मैंने सोचा व्लॉगिंग कर लेते हैं। तो आज मैं अभी आपको फिलहाल कहीं लेके नहीं जाने वाली हूँ, आज मैं आपको अपना गांव घुमाना चाहती हूँ। मेरा गांव है तो बहुत प्यारा है मगर प्रॉब्लम है मेरे गांव में। हम लोगों का जो गांव है वो आर्मी एरिया के अंडर पड़ता है जिसकी वजह से हमारा जो रास्ते का काम है वो सेंक्शन नहीं हो पाता है। मेरे गाँव वालों ने बहुत कोशिशें की और काफी ज्यादा अपील्स की बट कुछ नहीं हो पाया और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मेरा गांव फेस करता है क्योंकि वो जो रास्ता है हम लोग उसके लिए काफी स्ट्रगल करते हैं और हम लोग पॉलिटिकल पार्टी में अपील कर चुके हैं रास्ते के लिए और आर्मी में आर्मी वाले के सीईओ से जो है उनसे अपील कर चुके हैं। इनफैक्ट इसकी मेरे गाँव में बहुत सारे ओल्ड एज हैं जो इस रास्ते को अब नहीं चढ़ पाते हैं। आर्मी एरिया में होने की वजह से हमें आर्मी वालों से परमिशन की जरूरत है कि हम लोग रास्ता बना पाए। हम लोगों की जो अपील है ही सुनते हैं और हम लोगों को रास्ता नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से यहाँ से जब भी कोई बीमार पड़ता है या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग टाइम पे उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाते। अगर गांव में लड़के ना हो तो स्ट्रेचर पे डाल के ले जाने के लिए यहाँ से कोई भी नहीं होता है। आई नो कि बहुत सारे ऐसे गांव होंगे जहाँ पे रास्ते नहीं हैं और लोग मुझसे कहेंगे कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है बट हमारे लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर तक पहुंचाते हैं तब तक वो लोग खत्म हो जाते हैं और अपनी लाइफ खो देते हैं और आज नहीं तो कल कभी ना कभी मेरी ये वीडियो अगर वायरल हो जाएगी तो मे भी कुछ हो जाए, कुछ मैजिक हो जाए और रास्ता मिल जाए। अब चलते हैं गाइज, मैं आपको अपना गांव दिखा देती हूँ। दिस इज द व्यू फ्रॉम माय हाउस और यहाँ से डल और स्ट्रॉबेरी हिल्स वाला एरिया, तोतरानी वाला एरिया पूरा दिखता है वहां तक। इनफैक्ट यहाँ से ना नीचे वाला एरिया भी दिखता है बट अभी मॉनसून के कारण झाड़ियाँ काफी ज्यादा बड़ी हो गई हैं जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सो गाइज, अभी मैं अपने घर से चल के पहुंच गई हूँ थोड़ा सा ऊपर और आप देख सकते हैं ये सामने वो ऊपर जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं वो मेन रोड है और अभी जिस लोकेशन पे मैं खड़ी हूँ वो हमारे गाँव का बीचों बीच वाला हिस्सा है। ये मेरे गाँव का छोटा सा ग्राउंड, यहाँ पे मेला भी लगता है और ये सामने जो है ये प्राइमरी स्कूल है, यहाँ से लेकर 8th क्लास तक की एजुकेशन जो है बच्चों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। और गाइज वो सामने जो है वो मेरा स्कूल है, वहाँ जाती थी मैं पढ़ने केवी धर्मशाला में। मेरे गांव में डिस्पेंसरी भी है, पहले जो डिस्पेंसरी थी वो यहाँ पे हुआ करती थी जो आप खंडर हो चुकी है। और ये मेरे गाँव का मंदिर है गाइज और यहाँ से भी आगे घरों के लिए रास्ता जाता है और मेरे घर के लिए वहां से जाता है। तो फिलहाल के लिए अभी तो मंदिर बंद होएगा बट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है श्री शनिदेव जी का मंदिर। शिव जी जी का मंदिर, ये और ये हनुमान जी का, और ये हमारा मंदिर है। यहाँ पे हम सारी पूजा, होली का पूजन, जितनी भी पूजाएं, जन्माष्टमी, तीज त्योहार जो भी होता है हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। अभी मैं निकल गई हूँ मंदिर से और यही मेरे को गांव वगैरह की ना सही बात लगती है कि फंक्शन छोटा सा भी हो ना तो बहुत अच्छे से लेविश तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। कभी गाँव के किसी फंक्शन में मैं यहाँ हुई तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी और फिलहाल अभी मुझसे एक गेट बंद नहीं हो रहा है एक हाथ से। A few moments later. यहाँ पे मेरे गांव की पहली दुकान है ये और ये हम लोगों ने प्रोवाइड कराया है छोटा सा लिटिल लाइब्रेरी गांव में अगर किसी को बुक्स वगैरह पढ़नी हो तो। और ये रहे मेरे बाजे जी, अभी बैठे हैं, कुछ कुछ बोल रहे थे अभी चुप हो गए। ये है दूसरी दुकान, अभी ये बंद है, यहाँ पे चिकन वगैरह मिल जाता है। उसके आगे वाली शॉप सब्जियों की वो भी बंद है। गाइज ये है हमारे गांव की एक और दुकान जहाँ पे राशन भी प्रोवाइड हो जाता है, राशन एंड ऑल। और इसी से अगर मैं नीचे नीचे जाती रहूँ तो हमारे गांव का जो है डीपू भी है। अब गाइस देखो, हम तो बीच में पड़ते हैं, हम लोगों को तो फिर भी थोड़ा बहुत इजी है कि हम लोग ऊपर जाएं नीचे जाएं,
हम लोगों को सामान लेना थोड़ा इजी हो जाता है, बट वही है कि जो बहुत नीचे से आ रहे हैं वो लोग बेचारे, उनको बहुत ऊपर आना पड़ता है, और जो बहुत ऊपर से आते हैं उन बेचारों को बहुत नीचे उतर के आना पड़ता है। तो ये है हमारे राशन की दुकान, तो यहाँ से नीचे जाके और आगे गांव एक्सटेंड होता है। अरे जीजू, ये क्या आप पॉज हो गए हैं? आपका पॉज बटन तो नहीं दबा दिया किसी ने? मेरा? हाँ, पॉज बटन दबाया तो सब दाढ़ी चिपट होगी। तो गाइज मेरा आज नीचे का चक्कर लगा ही है, तो मैंने सोचा अपनी ट्यूशन वाली दीदी से भी मिलके आती हूँ। ट्यूशन पढ़ती थी मैं, बहुत खेलती रहती थी मैं, बहुत शरारती थी मैं, सबको तंग किया है मैंने यहाँ पे बहुत। अभी भी पढ़ा ही रहे होंगे। और ये रहे मेरे ट्यूशन वाले फूफू। मिलिए फूफू से। और मैं यही इसी अकेडमी में पढ़ी हूँ। तो बुबू कैसा लग रहा है मुझसे इतने टाइम बाद मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सो स्वीट। और गाइज हम लोगों ने ट्यूशन में पढ़ाई के साथ साथ शरारत सब कुछ किया है हम लोगों ने। मैं अभी पिकनिक, अभी बहुत टाइम बाद आई हूँ फूफू से मिलने, तो मैं थोड़ी देर गाइज बात कर लेती हूँ फूफू से, फिर मिलती हूँ आप लोगों को आगे। गाइज यहाँ पे इन्होंने फ्लैग भी लगा दिया है 15 अगस्त की खुशी में। आप सबसे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी लगाएंगे। और ये देखो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी मैं निकल गई हूँ और मैं आपको नीचे भीड़ माता लेके जाती हूँ। तो यहाँ से ना नीचे वाले गांव में एक और मंदिर है हमारा, तो हम अभी वहाँ जा रहे हैं। और फूफू ने मेरे साथ यहाँ पे ये अरमान को भेजा है, और आगे दो और चल रहे हैं। उनको कैमरा कॉन्शियस है, उनको कैमरा में आने से ना थोड़ा सा डर लग रहा है। ये वाला जो रास्ता है अभी तो काफी ज्यादा खराब हो गया है। तो पुराना जो मंदिर था वो यहाँ से था, और जिस माता में हम जा रहे हैं उनका नाम है भीड़ माता, और भीड़ का मतलब होता है खाई। ये जो है हमारे गांव के बिल्कुल एंड में है, मतलब जहाँ हमारा गांव खत्म हो जाता है वहाँ पे माता का मंदिर है, इसलिए इनका नाम पड़ा है भीड़ माता। नीचे नीचे आके भी कितने सारे घर हैं, काफी नीचे तक लोग रहते हैं, और यहीं से ऊपर पहुँचने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो रहा नीचे मंदिर, वो जो मैं रास्ता बता रही थी वो यहाँ पे एडजॉइन करता था, और मंदिर पहले वहाँ सामने की तरफ था, और अब मंदिर यहाँ शिफ्ट हो गया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। सो गाइज मैंने दर्शन कर लिए, और अभी मैं आपको मंदिर के पीछे से दिखाती हूँ खाई है, और यहीं पे एंडिंग है हमारे गांव की। तो अभी हम जा रहे हैं पीछे की तरफ, देख सकते हैं इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, रास्ता यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, और ये नीचे पूरी खाई है। ये है हमारे गांव का एंड पॉइंट, और अभी फिलहाल मैं यहाँ पे बैठी हूँ और थोड़ा सा व्यू इंजॉय कर रही हूँ। और मेरे साथ ये बच्चे आप देख सकते हैं, इनको ट्यूशन वाली दीदी ने भेजा है मेरी। सो गाइज हम बोल देते हैं बाय बाय अभी के लिए। तो गाइज हमने डिसाइड किया है कि अभी हम लोग इस रास्ते से जाएंगे, तो हम लोग जा रहे हैं। So guys, I am back home and literally, can you see the amount of sweat on my face? सोचो मैं तो अभी यंग ब्लड हूँ, और मैं ही अभी इतना नीचे तक जाके आई, तो ऐसे पसीने छूट रहे हैं, तो ओल्ड एज वाले ग्रुप का क्या होता होगा। बट एनी वेज मैं घर पहुँच गई हूँ, एंड आई एम फिनिशिंग ऑफ दिस वीडियो राइट हियर। सो इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।